जा कितने रहे हैं? कल हमने आपको बताया था ना कि हमने वो ड्रेस टाइट करने को दी है दोस्त को बोलने में जा रहे हैं दोस्त को दोपहर हो गई वैसे तो 2 बज गए 2:30 बज गए निकलने ही लगे थे बारिश हो गई आज तो ऐसा माहौल चल रहा है ना न्यू मार्केट पहुंच गए हैं वो भागी भागी जा रही है आगे काश कर दिया आवाज उसने भैया ने अभी तक बनाया ही नहीं यार वो देखो वहां पे गणेश जी बैठे हैं रोड पे पूजा हो रही है क्या नजारा है अभी इतनी मास्क में वापस भाई यार तो जो सुबह से परेशान हुए हैं ना होए 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 की वजह से एक शूट की वजह से गैगी की वजह से तुम्हारी वजह से गैगी की वजह से तुम हो ऊपर को बाहर चलो गाइस अभी फिलहाल क्या है वो रात को हम जिस डॉग की दवाई लेने लगाते हैं ना उसकी दवाई लगा रहे हैं और रास्ते में देखेंगे गणेश जी को रुको यहाँ पे भी आरती हो रही है हमें पास में मिल गई एक डॉग शॉप ये वाली डॉग शॉप है बढ़िया अपन है ना बढ़िया है अपना काम हो गया अच्छा ये तो मैंने चलानी है अब कहाँ जाना है अब यू टेल मी वेयर टू अब हम आ गए DIY इसको ना ये वाली टेप्स चाहिए होती है पता नहीं खुद की थ्रेडिंग खुद ही करती है तो ये तो ये वाले टेप यूज होती है पता नहीं उसमें समहाउ क्या है चलो ठीक है कहाँ जा रही हो तुम ये भाई तुम आगे निकल गई ज्यादा समुंदर की ओर ये देखना क्या है चेयर लेग टेबल की सॉक्स मान लो इसे क्या है ये चलो भैया यहाँ से तो चलो जूस पीने की इच्छा हो रही थी और यहाँ पे ना मामा जूस करके है मैंने कहा चलो वो पी लेते हैं सिमी के पास ना 2 या 3 डॉग्स थे तो इसे उनकी फोटो बनवानी है लीजा लिल्लू तो यहाँ पे बन जाएगी शायद ये पोस्ट कार्ड साइज है ना कौन सी है करवा ले यहाँ पे जूस था और यहाँ पे फोटो वाली दुकान थी अभी मैं फोटो दिखाता हूँ आपको अच्छा ऐसे वाला पॉलरॉइड है जो ये कराने का बोल रही थी और पॉलरॉइड अच्छा इंग्लिश ग्रामर टीचर सिखाएंगे हमें फ्रूट्स कौन से लेने हैं
फ्रूट्स भी ले लेते हैं, गुआवा भी है। लो भैया शेक तो आ गया। गाइस घर आए हम वापस और ये शख्स की मेहरबानी हुई है बहुत घर पे। अभी मेरी क्यों हुई है? इसे बोला था घर वालों ने कैश ऑर्डर करने को एक दो दिन पहले, इसने करी नहीं। नहीं देखो गाइस, मम्मा ने मुझे कल ही बोला था रात को, उन्होंने कहा था सुबह कर देना, मैंने शाम को कर दी, बात तो खत्म। अब कल संडे है, गैस हो गई खत्म। हमने सोचा था कि वो चैलेंज करेंगे जो मैं पिंक वाले नूडल चैलेंज तो क्या ही, वो ट्राई करूंगा चैलेंज, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो ट्राई करने का मन था, बट अभी गैस नहीं है तो कुक नहीं कर सकते एंड इंडक्शन भी खराब है। सुबह इंडक्शन, सुबह तक इंडक्शन ठीक हो जाएगा, कल भी संडे है, कल भी गैस नहीं रहेगी तो इंडक्शन पे खाना बनेगा। और अभी बाहर से खाना मंगवाया फिर हमने, बट मंगवाया इंडे नहीं, सब्जी दाल नहीं, क्योंकि मैं नहीं खा सकती। हाँ क्योंकि बाहर का और कुछ नहीं खा सकती, सिर्फ इंडियन खा सकती है। अभी फिलहाल तो ये अपडेट है, मैंने सोचा था आप आज आप लोगों को ये सब दिखाऊंगा, बट थोड़ा सीन कैंसिल हो गया। ये देखना जरा, ये नीचे क्या कर रहा है, मैंने तभी नहीं दे रहा था इन्हें, पता है वो छोटे छोटे बच्चे आए थे, पूरा घर में तहलका मचा गया। ये मेरे पास अभी, अब खाना खा के थोड़ी सी वॉक करने निकले एंड गणेश जी तो अभी सो रहे होंगे ना, यहाँ पे गणपति जी हैं। अच्छा वो रेड वो डाल देते हैं रात को, आरती के टाइम खोलते हैं बस। अच्छा क्या प्यारा माहौल लग रहा है यार, एक नंबर। एंड आज मैंने पहली बार ही गणेश, जो गणेश चतुर्थी होती है या जो भी गणेश जी का ये फेस्टिवल होता है, वो मैंने पहली बार ही देखा है। बिकॉज़ ऊपर अपने हिमाचल में या चंडीगढ़ में जहाँ भी मैं पहले रहा हूँ, वहाँ पे ये फेस्टिवल इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता जितना धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। मतलब मैं चल रहा हूँ, हर 5 मिनट में कोई ना कोई गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा जो भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट, वो लेके जा रहे हैं। हैं जैसे मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, देखो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बिठाई हुई है, ठीक है, वहाँ वो पूरा टेंट एरिया लगा है, वहाँ पे गणेश जी हैं, क्लियरली थोड़ा दिख नहीं रहा बट हाँ ऐसा ये है। फिर मैं थोड़ा सा इस साइड को आऊँगा, यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे भी गणेश जी हैं, और ऐसे पता नहीं कितनी सारी जगह, हर जगह छोटी छोटी जगह गणेश जी बिठाए हुए हैं, और इतना प्यारा लग रहा है ये फेस्टिवल, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। पता है जब आप किसी दूसरे शहर आते हो और वहाँ पे अलग ही कल्चर चल रहा होता है, अलग सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ऐसे ही यहाँ पे दुर्गा पूजा और नवरात्रि भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। ऊपर इतना जैसे गणेश जी का इतना फेस्टिवल नहीं मनाया जाता ना, दुर्गा पूजा नवरात्रि मनाते हैं वहाँ पे, बट ऐसे नहीं कि प्रतिमा मूर्ति जो भी वो लेके आते हैं, मतलब इतने अच्छे से नहीं मनाते। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लगा। एक यहाँ पे मैंने आपको कल परसों भी दिखाया था, वो बद्रीनाथ टेम्पल की तरह वो पंडाल बनाया हुआ है, या पंडाल बोलते हैं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था, अब मुझे याद आया पंडाल बोलते हैं, वो बद्रीनाथ टेम्पल की तरह बनाया हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ये सब देख के एंड बस कुछ दिनों में, विद इन 2-3 डेज वी आर गोइंग बैक टू, पहले दिल्ली जाएंगे, शायद अगर दिल्ली में कुछ काम हुआ तो दिल्ली रुकेंगे एंड अगर दिल्ली में काम नहीं हुआ तो हम शिमला चले जाएंगे, हमारा कुछ अभी ऐसा प्लान बन रहा है, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, आप लोगों को चीज़ें दिखती रहेगी, तो क्योंकि शिमला में भी अपने 2-3 कोरियर्स आ चुके हैं और वो भी हमें देने हैं। कोरियर्स आते हैं, उसमें कोलैबोरेशन होती हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे देनी है, तो इसलिए शिमला भी जाना पड़ेगा एंड देखते हैं। वैसे मौसम इतना बुरा यहाँ पे भी नहीं है, बट शिमला का मौसम थोड़ा अलग होता है, वहाँ पे थोड़ा अलग मज़ा आता है, ठीक है। अब मौसम को लेके तो इस व्लॉग को करते हैं फिलहाल यहीं पे ख़त्म एंड हैप्पी गणेश उत्सव टू ऑल ऑफ यू गाइस।
टिल देन सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। चंगा फिर, अगली बार।